हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो लॉकअप की। लॉकअप शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में शो में एक ऐसा टास्क हुआ जिसने पूरे लॉकअप में धूम मचा दी। लॉकअप शो में आया है एक बड़ा ट्विस्ट। दरअसल कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल जेल में हुआ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टास्क, जिसके चलते कोई एक कैदी पहुंच जाएगा सीधा लॉकअप के फिनाले में। लेकिन इस बीच जहां सबने ये मौका जीतने की कोशिश की, तो वहीं इस रेस में टूटे दिल और टूटी दोस्तियां, साथ ही बाहर आए कई कंटेस्टेंट्स के असली चेहरे। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या हुआ इस इंटरेस्टिंग टास्क में। आपको बता दें कि इस टास्क में जहां एक दूसरे को सारे कैदी कड़ी टक्कर देते दिखे, तो वहीं अंजलि और मुनव्वर में छिड़ गई जंग। दरअसल अंजलि ने मुनव्वर को गेम से आउट करने के लिए साइशा के साथ करी प्लानिंग, लेकिन इस बीच पूनम का कंटेस्टेंट्स पर फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, पूनम को भी किया गया टास्क से बाहर, जिसके चलते पूनम ने गिनाए अपने काम। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे टास्क जिताए हैं और मुनव्वर के लिए खेला है, लेकिन आज मुनव्वर ही उनको गेम से आउट करने का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि वो मुनव्वर और अंजलि के लिए बोलती हुई दिखाई देती हैं कि उनको इन दोनों की शक्ल तक नहीं देखनी। उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट गेम किसी रीजन की वजह से नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में इश्यूज हैं, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उनकी वजह से मुझे तकलीफ है। अब पूनम की पीरियड वाली बात भी ज्यादा कुछ असर नहीं कर पाई और उनका पीरियड ना आना टास्क या गेम तो नहीं रोक सकता। तो बस पूनम की इस बात ने भी उन्हें गेम से आउट होने पर नहीं बचाया और उनको उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने ही कर दिया टास्क से आउट। जहां सबसे पहले पायल रोहतगी को टास्क से आउट किया गया और फिनाले की टिकट की रेस से बाहर किया गया, तो वहीं उनके बाद आजमा पूनम को भी रेस से कर दिया गया बाहर। उसके बाद कोशिश तो मुनव्वर को भी हटाने की गई, लेकिन प्रिंस ने उनके लिए गोल्डन टाइल देने से कर दिया था मना, जिसके बाद मुनव्वर इस टिकट की रेस में कायम रहे। कंगना का ये रियलिटी शो तो धमाल मचा रहा है और इसके साथ ही बन चुका है इंडिया का हाईएस्ट वॉच्ड रियलिटी शो। आपको बता दें कि सारे कैदी एक दूसरे को पीछे हटाने और खुद को आगे ले जाने के पूरे प्रयास में हैं। अब ऐसे में शो में इतने बड़े ट्विस्ट का आ जाना काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इस टास्क को जो भी कैदी जीतेगा, वो डायरेक्ट बिना किसी अड़चन के पहुंच जाएगा फिनाले में। अब देखना होगा कि किसको मिलता है फिनाले का डायरेक्ट टिकट, यानी कौन सा कैदी जाएगा डायरेक्ट लॉकअप के फिनाले में। अब खैर, ये बात तो साफ है कि सारे कैदी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं और जैसे जैसे लॉकअप का टाइम कम होता जा रहा है, वैसे वैसे सारे कैदी एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। पहले से लेकर अभी तक वो अपना बेस्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपना बेस्ट गेम खेलने के चक्कर में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए झगड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि कई बार कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी लिमिट्स भी भूलते हुए नजर आते हैं। खैर, ये सब वो कर रहे हैं लॉकअप की ट्रॉफी के लिए और सबका सिर्फ एक ही मोटिव है, लॉकअप का विनर बनना। तो अब देखना ये होगा कि लॉकअप के फिनाले में डायरेक्ट कौन एंट्री लेता है और कौन बनता है सबसे पहला कैदी जो फिनाले तक इस चीज को पॉसिबल कर पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कैदी बना पाएगा लॉकअप के फिनाले में अपनी एंट्री। इसके साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा फिल्मी बीट।